इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हम पाकिस्तानी और इंडियंस भाई बहन बन के, भाई भाई बन के रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बर्नौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पूरा मिडिल ईस्ट मिल के भी ना इंडिया की पावर का मुकाबला नहीं कर सकता है, आधी दुनिया इंडिया का पावर का मुकाबला नहीं, ठीक है, वो हर चीज में ना बहुत ज्यादा हैवी है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। उधर बनना चाहिए। और दूसरी बात देखे, हम इस्लामिक, हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए, हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है। पूरे मिडिल ईस्ट में जो इंडिया जो है ना छाया हुआ है, उनकी जो स्किल्ड ह्यूमन, वो जो स्किल्ड लेबर है, वो सारी मिडिल ईस्ट में छाई हुई है। कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे, जैसे पाकिस्तान में ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। पाकिस्तानी हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम, कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात दो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट इंडिया की चल रही है, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये कि हम मईशत की जंग हारने के साथ हम दुनिया के हर मैदान में हार चुके हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यूएई के अंदर जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुँच चुके हैं यूएई में और प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया में रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, आप वीडियो को पूरी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो पाकिस्तानियों का तो अभी लेवल ही कुछ नहीं है ना, ये तो पता है दुनिया की सबसे जाहिल तरीन कौम है, इनकी लेवल, इनकी उसकी वो जो है ना क्या नाम है, एनालिसिस को दुनिया लिफ्ट नहीं कराती है। मोदी की, हमारे हुक्मरानों को मोदी की दयानत, अमानत और सदाकत से सबक सीखना चाहिए। वो 8 साल गुजरात का वज़ीर-ए-आला रहा है, 10 साल हो गए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अब तीसरी टर्म के लिए भी आ रहा है, ठीक है। किसी ने उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज रखा है, उंगली रखी है? उसका दामन बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह नीट एंड क्लीन है। उसका कोई बीवी, बच्चा, कोई भाई, कोई बहन, कोई ख़ानदान का बंदा किसी इख्तदार में इसमें नज़र आया है? उसने कोई ज़ाती मफाद लिया है? उसका कहीं सुनने में आ रहा है कि 300 एकड़ का महल है, 400 एकड़ का महल है? अब लेवल तो देखें ना, जो बड़ी कौमें होती हैं उनके हुक्मरान भी बड़े होते हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनका किरदार भी बड़ा होता है। ये हमारी जैसी घटिया कौमों को ना, ये घटिया जैसे लीडर इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, ये हमारी मुँह की, हमारे गुनाहों की सज़ा है, हमारे बदअमालियों की सज़ा है, ठीक है। कि लोग आज आधा पाकिस्तान इन लोगों की वजह से रात को भूखा सो रहा है। सर, आप देखें, तो जिनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है, डिप्लोमेसी उनकी ही है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पॉलिसी बनाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे बनाते हैं, हमारी बाजारों का, मार्केट का रेट वो निकालते हैं। इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है, जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिकली है, क्या कहेंगे मोदी साहब के बारे में आप? सर, वो ही तो वेरी एक बड़ा जीनियस किस्म का सियासतदान है, ठीक है। वो कोई घर का, कोई शाही खानदान का नहीं है, एक सेल्फ मेड आदमी है। होटल में चाय बेचता था, बचपन उसका चाय बेचने में और तालीम हासिल करने में गुजरा है। वो इंडिया VGPA में आया है एज एक मामूली वर्कर के हैसियत से, काउंसलर का इलेक्शन एक स्टेप बाई स्टेप। यहाँ पे तो डायरेक्ट वजीर आजम, डायरेक्ट सदर, डायरेक्ट वजीर आला। क्वेश्चन ये आता है, जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों को अक्सर कहता हूँ, कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ, हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मज़हब। उस और दूसरा हमने देखा, इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई उन्होंने कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं, नाउ इज़ अ टाइम कि यू हैव टू कोलेबोरेट एंड वर्क, आपको कारोबार करना है,
आपको बिजनेस करना है। आप देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, और वो उनको पता है कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की उनको बहुत ज़्यादा वो दी अमरातीज एंड दी अदर्स आर वेलकमिंग दिस अ लॉट, वो इसको बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रेशर है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो यही है कि वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। अबू धाबी के अंदर भी, वो भी इस्लामी मुल्क है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी नहीं बनना चाहिए ये कह रहे हैं? बेसिकली नहीं, उधर बनना चाहिए, उनके बहुत है ना अपने मुफादात है, गिव एंड टेक है, मसले मसाइल है, उधर बनना चाहिए। और दूसरी बात देखें, हम इस्लामिक हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए, हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है पाकिस्तान, इसीलिए बना है। उनकी बात उनका इजाज़त, जो वो करे, उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं, हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए, हमें पाकिस्तान में इजाद नहीं होना, मगर ये नज़र नहीं आ रहा है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी, हमारे बहनें माए बहनें बच्चे देखो उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है, इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं, माँ बहन का बहुत बड़ा मुकाम है, हमारी बेटियों का मुकाम है, मगर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस्लाम और कुफर के लिए ये चीज़ें बनी हैं, तो यही बात तो अगर इंडिया करेगा, वहाँ पर सब मुसलमान तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वो करेगा ये बात तो हमें पसंद नहीं आएगी, बहुत सारे पीछे भी चले जाएंगे, 5000 साल पीछे भी चले जाएंगे, स्ट्रेट तो ये जगह तो सारी हिंदुओं की थी ना सर, यहाँ पर हिंदू थे ना, यहाँ भी थे ना, बिल्कुल, अगर हम पीछे चले जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आप जितने भी यहाँ पर आप जो मौजूदा हालात है इस हालात का बस होना चाहिए, हालातों के मुताबिक हर चीज़ होना चाहिए। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत, इवन मेरे जाने की बात थी पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मेरे और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जोड़ा अवेसी में से जो शेरवानी अवेसी हैं और कुछ शेरवानी साहिबा हैं उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की भी मंदिर बनी है, और मैं देख रही थी सुबह में और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नाजिया ये जितने पिलर ऑफ द पिलर जो बना है वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो दुबई से आपको कुछ पता होगा कि दुबई में इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी है? कुछ टाइम से पहले, तकरीबन 4-5 साल से पहले पीछे जाएं तो इतना कुछ इंडियंस के बारे में नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया है पूरे यूएई का, मैं कह सकती हूँ बहुत सारे जो इंडियंस हैं वहाँ आ चुके हुए हैं, और माशाल्लाह मैं फिर ये कहती हूँ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से वो लोग नाम बना रहे हैं, इसमें नो डाउट वो लोग अपना 100% देते हैं, और फिर मैं वही बात बोलूँगी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, कुछ उनमें भी गलत आते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि अब पाकिस्तानियों को, एक तो पाकिस्तानी खुद भी अपने आप को सही शो नहीं करते हो, और अगर करें भी तो कुछ लोग उनको आगे जाने नहीं देते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ पर आपने 2-4 प्रकार की अलग अलग वीडियो क्लिप देखी है जहाँ पर आपने पाकिस्तानी पत्रकारों का और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे जो मेन चीज़ निकल कर सामने आती वो ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का कोई नाम नहीं है, यानी कि पाकिस्तानियों की सोच ही नहीं है सेकुलरिज्म को लेकर, और ये जो लोग हैं पूरी दुनिया भर को एक तरीके से ज्ञान बांटते फिरते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है इसको लेकर कभी बात नहीं होती है, कभी ये बात करते नहीं, और कभी इनसे सवाल किया जाता है तो सीधा सा जवाब देते हैं कि हमको नहीं पता है, कभी कुछ हो गया होगा, तो ऐसे करके टाल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी हमको सेकुलरिज्म देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ क्या किया जाता है और ये भी हमको पता ही है।
तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।